नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने फोन की ऐप को कैसे हाइड कर सकते हैं, वो भी बिना किसी ऐप को डाउनलोड किए हुए। दोस्तों आपके फोन में काफी ऐप होते हैं, फॉर एग्जांपल MX प्लेयर, व्हाट्सएप, गूगल ड्राइव, और उसमें आप काफी चीज रखे हुए होते हैं। जब आपका दोस्त आपसे आपका फोन मांगता है तो आप सोचते होंगे कि न जाने वो हमारी कौन सी ऐप खोलकर क्या देखेगा। उस स्थिति में आप अपने ऐप को हाइड कर सकते हैं। दोस्तों ऐप को हाइड कर देने के बाद कोई भी व्यक्ति आपकी फ़ोन की वो ऐप को नहीं ढूंढ सकता है। तो दोस्तों ऐप को हाइड करने के लिए मैं अपने फ़ोन में कुछ ऐप को डाउनलोड करके रखा हूँ। यहाँ पे मैं कुछ ऐप को डाउनलोड किया हूँ, और इसे अगर आप हाइड करना चाहते हैं, इन सभी ऐप को हाइड करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ़ोनपे, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, तो आप कैसे हाइड कर सकते हैं? इसके लिए आपको जाना होगा अपने फ़ोन की सेटिंग्स में। यहाँ पर आप सेटिंग्स को ओपन कीजिएगा, और सेटिंग्स में आ जाने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके आते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एप्स का, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। दोस्तों मेरा फोन EMI का है इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। आपका फोन अगर अन्य कंपनी का होगा तो आप वो ऑप्शन ढूंढ लीजिएगा कि आपके फोन में एप्स लॉक कहाँ पे है। इसके बाद दोस्तों आपको क्लिक करना होगा एप लॉक, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैं आपके फोन में एप लॉक लगाने की बात कर रहा हूँ, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ऐसा तरीका बताऊंगा जिसे आप अपनी फोन की ऐप को बिल्कुल हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब आप क्लिक कीजिएगा टर्न ऑन पे, यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आप इसे पहली बार ऑन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको पैटर्न बनाना होता है। यहाँ पे आप अपना पैटर्न बना लीजिएगा। इसके बाद फिर से आपको एक बार पैटर्न बनाना होता है, और इसके बाद आप क्लिक कीजिएगा नेक्स्ट यहाँ पे। दोस्तों मेरा फोन EMI का है इसलिए ऐसा आ रहा है EMI अकाउंट ऐड करने को कहा जा रहा है। अगर आपका फोन EMI का नहीं है तो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आएगा। मैं यहाँ पे इसे नोट आउट कर दे रहा हूँ, और इसके बाद आपको यहाँ पे फिर से क्लिक करना होगा इस नोट नाउ पे। दोस्तों यहाँ पे ये ऐप ऑटो सेलेक्ट हो जाते हैं लॉक होने के लिए, तो आपको इसे लॉक नहीं करना है, हाइड करना है, इसलिए आप इस टिक को अनटिक कर दीजिएगा। यहाँ पे जितने भी ऐप में टिक हैं आप इसे अनटिक कर दीजिएगा। इसके बाद फिर आप कीजिएगा यूज ऐप लॉक पे, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको वो ऑप्शन मिल जाता है हिडन ऐप का, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा हिडन ऐप पे। अब दोस्तों यहाँ पे आपके फोन में जितने भी ऐप इंस्टॉल होते हैं उन सभी का यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाता है। दोस्तों यहाँ से आप जिस ऐप को हाइड करना चाहते हैं आप उसके सामने सिर्फ टिक करते जाइएगा। मैं यहाँ पे सभी ऐप को हाइड कर दे रहा हूँ जो मैं इंस्टॉल किया हूँ, उन सभी को हाइड कर दे रहा हूँ यहाँ से। दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं सभी ऐप को हाइड कर दिया हूँ, इन सभी ऐप के सामने मैं टिक कर दिया हूँ। दोस्तों अब यहां से हमारी ये सभी ऐप हाइड हो जाती है, तो यहां पे हम क्लिक करके इसे सीधे कट करते हैं और चलते हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पे। तो दोस्तों देखिए यहां पे जो भी ऐप हम डाउनलोड किए थे वो सब यहां से हाइड हो चुका है। ये ऐप हाइड नहीं हो सकता क्योंकि ये गूगल का प्रोडक्ट है, इसलिए आप इसे यहाँ पर हाइड नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक तरीका बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस ऐप को देखना चाहते हैं कि वो ऐप हमारा कहाँ पर है तो आप कैसे देखेंगे। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, अपने फोन के स्क्रीन पे अपनी फिंगर को इस तरह से प्रेस करना होता है जैसे किसी फोटो को आप जूम आउट करते हैं। फोटो को जूम करने के लिए अपनी दोनों फिंगर को स्क्रीन पे रखें और उस दोनों उंगली को फैलाते हैं तो वो फोटो जिस तरह से जूम होता है उसी तरह से यहाँ पे करने से वो हमारी ऐप फिर से दिखलाई देने लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिखलाई नहीं दे रहा होगा, मगर मैं अपने फोन पे दोनों फिंगर को रख के यहाँ पे फोटो की तरह जूम आउट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैं दोनों फिंगर को रख के जूम आउट किया हूँ यहाँ पे मेरे सामने आ जाता है पैटर्न लॉक। यहाँ पे आपको बनाना होता है फिर से पैटर्न लॉक। तो दोस्तों यहाँ पे आपको वो पैटर्न डालना होता है जो आप ऐप लॉक करते समय पैटर्न लॉक यूज किए थे। यहाँ पे मैं वो पैटर्न को इंटर कर रहा हूँ, और पैटर्न को इंटर कर देने के बाद यहाँ पे जितने भी ऐप को हम हाइड किए थे वो सभी ऐप यहाँ पे आ जाती है। और इसी तरह से आप फिर यहाँ पे अगर कट कर देंगे तो फिर ये ऐप हाइड के हाइड ही रहेगी। अगर आप इन सभी ऐप को बाहर निकालना चाहते हैं, यहाँ से अनहाइड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा मैनेज हिडन ऐप पे, और यहाँ पे आप फिर इन सभी ऐप के सामने अगर टिक कर दीजिएगा तो ये सभी ऐप यहाँ से अनहाइड हो जाएंगे। और यहाँ से हम अगर सीधे कट करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये सभी ऐप यहाँ पे फिर से आ गई हैं। दोस्तों इस तरह से आप अपने फ़ोन में बिना किसी ऐप के
अपनी एप्स को हाइड कर सकते हैं और साथ ही अगर आप जब चाहें तब उसे अनहाइड भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आपके काम की, आपके हेल्पफुल होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में, और ऐसे ही सिंपल सिंपल वीडियो में अपने चैनल पर लेकर आते रहते तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।